अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरे सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम तरीका सीखेंगे जो डबल ग्लेज खिड़की होती है इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल डीसी की विंडो होती है उनमें व्हील अप डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये जो डबल ग्लेज की खिड़की होती है इसमें अप डाउन नहीं होते, ये फिक्स होते हैं। तो इसके लेवल में फ़र्क है, ये आप देख सकते हैं, नीचे से टच है और ऊपर से गैप है। अगर हम सेंटर में बात करें इंटरलॉक की, तो वो भी लेवल में नहीं आ रहा, जो अंदर वाला पल्ला है वो पीछे है। तो इसके दो तीन हल हैं जो आज मैं आपको बताऊँगा। एक तो मसला ज्यादातर होता है ये जो मार्बल होता है सेंटर से डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा पल्ला होता है ये खराब हो जाता है। एक तो इसका ये हल है कि हम बाज़ दफ़ा इसके नीचे पैकिंग दे देते हैं थोड़ी सी लकड़ी की, इसको उठा देते हैं, पल्ला जो होता है वो आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन वो बाहर से बुरा लगता है। लेकिन हम इसका जो दूसरा हल है वो करेंगे आज, इसका हम ये पल्ला निकालेंगे स्लाइडिंग का। और आपने याद रखना है कि ये वाली जो साइड है ये इस तरफ है, ये देखिए ये हमारी साइड है, ये हमने ये जो साइड है ये हम ऊपर करेंगे, कुमरा जो ऊपर से राइट साइड जो ऊपर थे वो पीछे थी। इसके नीचे जो पैकिंग है इसको हम निकालेंगे सबसे पहले, आराम से व्हील उठा लें अपना। ये जो प्लास्टिक की पैकिंग हमने रखी हुई है ये हम उठा लेंगे और व्हील को हम उल्टा करके लगा देंगे। ये देखें, ये हमने इसको उल्टा किया तो ये जो है ये ऊंचा हो गया है दूसरे की निस्बत, इस तरह जो हमारा पल्ला है वो आगे आगे की तरफ हो जाएगा। अभी हम आपको पल्ला डालकर दिखाएंगे। ये पल्ला हम डाल रहे हैं, आपको चेक कराते हैं, बंद करें इसको, बंद कर दें। ये देखें अभी उन्होंने पूरा बंद किया है, हमारी ये देखें अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर है इसके साथ एंड तक, ठीक है। आगे से भी हमारा पूरा बैठ गया है, क्योंकि हमारा ये जो पल्ला था ऊपर की तरफ से पीछे था तो हमने ये व्हील उल्टा किया है। दूसरा इसके नीचे पैकिंग का है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।